तो हेलो गाइज, एक थोड़ा ख़राब न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, क्योंकि अभी कल जो सोमवार का दिन है ना, एक अटैक हुआ था नॉर्दर्न बॉर्डर पे, जहाँ पे लेबनान के साथ जो बॉर्डर लगता है ना इज़राइल का, तो वहाँ पे अटैक हुआ था सोमवार सुबह 11 बजे के टाइम में। वैसे अटैक हर दिन होता है नॉर्दर्न बॉर्डर और ये साउदर्न बॉर्डर जो गाजा से लगा हुआ वहाँ पे, और जो लेबनान से लगा उधर, तो जहाँ पे लेबनान से लगा था उस साइड में एक खेत में, मतलब कुछ ऑर्किड का खेती था उधर, तो उधर कुछ इंडियन जो एग्रीकल्चर में आया था ना, वो लोग काम कर रहा था, तो वहाँ पे एंटी टैंक मिसाइल से अटैक हुआ, जिसका वजह से 3 लोग घायल हो गया। तीनों लोग घायलों को जब मेडिकल एडमिट कराया गया तो उसमें एक का डेथ हो गया, बाकी 2 जो वर्कर है वो अभी ठीक है, खतरे से बाहर है। एक तो मतलब डिस्चार्ज भी हो गया, एक को थोड़ा हल्का सर्जरी हुआ है, उसके बाद वो मेडिकल में है, वो भी कुछ दिन बाद डिस्चार्ज होगा। तो ये एक न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ नहीं है। अभी इसराइल में पिछला 4.5 महीना, अभी 5 महीना होने को आ गया, लड़ाई चल रहा है, और स्पेशली जो नॉर्थ और जो साउथ का जो बॉर्डर है ना, शुरुआत में जो गाजा में है ना, जो साउथ बॉर्डर इसराइल का, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब क्या है कि नॉर्थ साइड में भी प्रॉब्लम तो शुरू से ही होना शुरू हो गया, जब से अटैक हुआ है, लेकिन उस साइड में अभी तक कोई इंडियंस का डेथ नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला केस आया जो इंडियन का डेथ हुआ। बहुत ख़राब लगा, उनका फैमिली को एक श्रद्धांजलि मैं व्यक्त करता हूँ, और उनका जो दोस्त अभी जो मतलब हॉस्पिटल से जो एक डिस्चार्ज हो गया है और एक हॉस्पिटल में, उन दोनों का भी जल्दी मतलब उनका जो स्वास्थ्य है जल्दी अच्छा हो जाए, उसका मैं कामना करता हूँ। इसराइल का जो इंडियन एम्बेसी है उसने भी एक एडवाइजरी जारी किया है, उसमें बोला है कि जो भी लोग जो इसराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब जो लेबनान से लगा है और जो साउदर्न बॉर्डर जो गाजा से लगा है, उस साइड में जो भी काम कर रहा है ना, उनको अगर कोई अनसेफ जगह पे है तो वो लोग मतलब थोड़ा सेफ जगह पे रहने का कोशिश करें, और तो वो लोग को अगर कोई भी दिक्कत है तो एक मोबाइल नंबर या हेल्पलाइन नंबर इस तरह का कोई जारी किया है, अगर किसी को वहाँ पे दिक्कत है नॉर्दर्न बॉर्डर में या साउदर्न बॉर्डर में इसराइल के, तो उनको वहाँ पे कॉल कर सकता है, और हेल्प के लिए इंडियन एम्बेसी को कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सबके लिए ज़रूरी है, जो इसराइल आ गया है, जो इसराइल आने वाले है, जो भी आप लोग इसराइल आने वाला है। देखिए, इसराइल में इस तरह का लड़ाई चल ही रहा है, अब इतना दिन से कोई भी इंडियन का डेथ का खबर नहीं सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम सुनने के बाद बहुत ख़राब लगा। और जो भी जो डेथ हुआ इंडियन का, वो केरला से बिलोंग करता है ना, तीनों जो घायल हुआ था तीनों केरला से बिलोंग करता है। जो डेथ हुआ था वो 2 महीना पहले ही एग्रीकल्चर वीज़ा पे इसराइल आया था। तो इस तरह का न्यूज देने को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेगा, सबको बताना भी पड़ता है। और जो भी इसराइल आ चुके हैं ना, काम कर रहा है ना, मतलब कहीं भी, चाहे बॉर्डर में हो, चाहे इसराइल के अंदर कोई सेफ जगह में भी, आप लोग अगर जहाँ काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ना आप लोग अपना जो एम्प्लॉयर है ना, उसको पूछिए कि यहाँ पे बंकर कहाँ पे है, और सेकंड अगर बंकर नहीं है तो सेफ जगह कहाँ पे है, अगर मतलब कोई रॉकेट वगैरह आ गया तो हम सेफ कहाँ पे रह सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आप लोग पूछिए सबसे पहले। मान लीजिए आप जहाँ पे अपार्टमेंट आपको दिया है, वहाँ पर भी पूछिए कि अगर मान लीजिए रॉकेट वगैरह आता है, सायरन बजता है, तो हम कहाँ छुप सकते हैं। तो सेफ प्लेस या बंकर, इस टाइप का मतलब जो लोकेशन है, जो एरिया है या प्लेस है, वो कहाँ पे है, आपका जो मालिक है ना, जो एम्प्लॉयर है, उसको पूछिए, चाहे वो आपका अपार्टमेंट में हो, चाहे आपका काम करने का जगह पे हो। मतलब अगर कुछ इमरजेंसी में सायरन बज जाता है तो कहाँ छुपना है, ये बात सबसे पहले क्लियर कर लीजिए आप लोग। अभी जो केयर गिवर में आए वो लोग तो क्या, हम लोग घर पे ही रहता ना, तो हम लोग को इतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ये सब और बाकी भी कोई भी सेक्टर में आया हुआ, तो ये लोग को ये सब जानना ज़रूरी है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये भी जान के रखिए। और बाकी तो इसराइल में लड़ाई तो चलता रहता है, अब सेफ रहिए, जो भी इसराइल में काम करने आ रहा है, जो नया वर्कर आ रहा है, आप लोग थोड़ा सेफ रहिए। बाकी जो इसराइल का जो सेंट्रल और हम लोग जो अंदर का है, उसको उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया में ना, स्टार्टिंग से ही मतलब
खूब ये रॉकेट वॉकेट हमला होता है, मतलब ज़्यादा होता है बहुत मैक्सिमम। तो मैं मुझे बहुत सारे दोस्त लोग पूछता है कि इसराइल में लड़ाई कब ख़त्म होगा, तो मेरा एक ही आंसर है भाई, लड़ाई तो इसराइल में चलता रहेगा, अभी भी चल रहा है। तो बाकी यही है, लड़ाई तो चलता ही रहेगा यार, अभी यही है। जो भी आना चाहते हैं आप लोग, ये सब भी ध्यान दीजिए, आप लोगों को घर से अगर थोड़ा डर रहा है वो लोग, तो देखिए आप लोग भाई, लड़ाई तो इसराइल में चलता रहेगा। ये मैं बोल ही रहा हूँ, जब से मैं इसराइल आया हूँ तब से लड़ाई चल ही रहा है, 3 साल हो गया लड़ाई चल ही रहा है। बंद होता है 6 महीना 8 महीना, फिर कुछ लड़ाई होता है, 1 हफ्ता का होता है, कभी 3 महीने का होता है, तो ये चलता रहेगा। लड़ाई तो मुझे नहीं लगता बंद होगा, जब तक इसराइल है लड़ाई चलता ही रहेगा। हम लोग काम करने वाला भी कर ही रहा है, तो ऐसे ही चलेगा। बाकी कोई नया अपडेट के साथ दूसरा दिन फिर मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।